यहाँ बैठे सबके मन में ये सवाल भी होगा ना कि सिर्फ आप पे इतना ज्यादा मेहरबान ऊपर वाला क्यों पांच हजार के आसपास टेलीविजन शो आप कर रहे हैं नौ साल की उम्र में बाल कवि आप बन गए हैं एक हजार तीन कविताओं के अलग अलग शो आप कर चुके हैं ठीक है राह तो अपने को भी दिखा रहा है लेकिन उसमें ठोकरे ही है आपकी राह ऊपर तक ही कैसे जा रही ये कैसा आशीर्वाद और कैसे मिला देखो तो सवाल आप पूछ रही है कितने लोग होंगे इस देश में जो आज तक में एंकर बनना चाहते होंगे कितने लोग होंगे मुझे बताइए हजारों लोग होंगे कोई केबल पे कर रहा होगा कोई शहर में कर रहा होगा लेकिन आप यहाँ पहुंची खुदा आप पे इतना मेहरबान क्यों है देखिए आपने खुदा की बात की मैंने अगर आप ये मुझसे पूछते तो शायद मैं ये नहीं कहती कि ऊपर वाले ने तय किया मैं पहुंचती चली गई हर चीज का एक रास्ता कई बार होता है कई बार आपको बनाना पड़ता है आप ये कह रहे हैं आपको रास्ते मिलते गए मैंने बनाए हैं आपको मिले हैं अंतर इतना है आप ये कह रही हैं कि आपने बनाए हैं और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मुझे मिले हैं सबको मिलते ही हैं अगर वो अगर साथ न दे तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते वो अगर साथ न दे तो आप यहां से वहां नहीं हो सकते एक पत्ता नहीं हिल सकता इस कायनात का अगर वो साथ न दे तो आपको क्या लगता है मैंने एक पैंट थी मेरे पास सिर्फ एक जीन्स की पैंट मैं अपने संघर्षों को कभी संघर्ष तो वर्ड कहता ही नहीं मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं करता अच्छा, इस भाई तो हमने इतने संघर्ष किया है, है, है।, है ना हमने बड़ा संघर्ष किया हम फुटपाथों पर सोए अरे क्या कह रहे हो यार क्यों ग्लोरिफाई कर रहे हो दुनिया में कोई भी काम करना है तो आपको ये स्ट्रगल वर्ड एक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना ओवर यूज है हमने स्ट्रगल की हमने स्ट्रगल कर कौन स्ट्रगल नहीं करता मुझे बताइए आप दस जगह नौकरी का इम्तिहान देने जाते हैं नौ जगह आप रिजेक्ट होते हैं दसवीं जगह आपको नौकरी मिलती है आप ट्रेन में धक्का खाते हुए चढ़ते हैं आपको जगह मिले ना मिले आप वहां पर उससे क्या वो संघर्ष नहीं है आप शाम को घर से देर से लौटते हैं आपको गर्म खाना मिले ना मिले और आप अपना ही खाना सेक सक के किसी तरह खा रहे हैं क्या वो संघर्ष नहीं है मैं हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूलों में पढ़ा अब मैं उसे संघर्ष कह दू देखो दुनिया में अगर आपको मुझे इस चश्मे को यहां से यहां रखना है तो उसे उठाना पड़ेगा रखना पड़ेगा ये जीवन है

और वो आदत आज तक ऐसी पड़ी कि मैं खाना खाने बैठू और सामने तीन सब्जियां हो हाँ तो मैं नहीं खा सकता मैं एक चुन लूंगा क्योंकि मैंने आज तक एक से ही खाया आप इसे संघर्ष कहते हैं मैं कह दूंगा ये तो जीवन है ये तो होता ही है एक बार मैंने कहीं कहा था कि लोकल ट्रेन की भीड़ में गिराया लोकल ट्रेन की भीड़ में गर, गिरा तो उसने हाथ पकड़ कर उठाया राशन की लाइन में खड़ा होकर भन बनाया तो उसने कंधा थपथपाया साथ मेरे दबी सहमी कुचली सी मौन है मैं जिंदगी से ही पूछ रहा हूं तू मेरी कौन है तो जिंदगी तो जिंदगी है हमारी जिंदगी यही थी कि मेरी जिंदगी दस बाय दस का कमरा बीवी का गजरा बिटिया जो छोटी सुबह शाम रोटी घर कब होगा जब होगा अपना इस देश का जो निम्न मध्यम वर्गीय है ना वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा घर कब होगा किराया की छत न रहे तो वो कहता है कि, मेरी जिंदगी दस बाय दस का कमरा बीवी का गजरा बिटिया जो छोटी सुबह शाम रोटी घर कब होगा जब होगा अपना सेकेंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना अमिताभ का क्रोध मरतावा विचार बोध बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम बनिये के बेटे को झुकझुक राम राम असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है दस तारीख तक तो खत्म हो जाती है तो आप उसे जिंदगी कहते हैं मैं तो उसे कहूंगा जिंदगी है आप उसे संघर्ष कहते रहिए जो ग्लोरीफाई करते हैं ना लोग ये आत्मकथाओं के लिए बहुत अच्छा है तो फिर तो आपको ये भी नहीं होता होगा कि दुख हो जाए कि अरे मैं ये नहीं कर पाया अरे ये करना था क्योंकि यहां पे मुझे लगता है जो कर रहे हैं उससे ज्यादा जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए ज्यादा रोते हैं लोग है डिसअपॉइंटमेंट एक बहुत ही सामान्य सा इमोशन जो आपके भीतर पैदा हो लेकिन अगले क्षण ये भाव ही आता है ईश्वर ने आपके लिए तय कर रखा है वो कहते हैं ना क्या आपके मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा हरविंदाब बच्चन जी ऐसा कहते थे कि मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा तो उनके पुत्र महानायक बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात हुई मन का न हो तो और भी अच्छा बोले जो आपका हो आपके मन का हो तो अच्छा है ही आपके मन का न हो मतलब वो ईश्वर के मन का है इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छा है तो जो न है वो ठीक है जो है वो है